अपमान हुआ है, इससे पहले भी राष्ट्रपति दो दिन पहले ये ट्वीट किया था, ट्वीट भी किया था, उसकी जानकारी भी दी थी कि मंदिर में उन्हें पूजा पाठ नहीं करने दिएगा जगन्नाथ मंदिर में, ऐसा जो है आपने किया। स्वाभाविक रूप से ये दुखद पहलू है इस देश के, इस देश में देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे महामहिम राष्ट्रपति के पद पर द्रौपदी मुर्मू जी को मंदिर में अंदर जाने से इसलिए मना किया क्योंकि वो आदिवासी समाज में पैदा हुई हैं, जबकि रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी अंदर जाकर के मंदिर के कैंपस में अंदर जाकर के वहां पर पूजा पाठ भी कर रहे हैं, आशीर्वाद भी ले रहे हैं। अगर ये प्रोटोकॉल भी बनता है कि अगर महामहिम राष्ट्रपति जी को अंदर जाने से रोका गया तो रेल मंत्री को भी प्रोटोकॉल के तहत उनके पीछे खड़ा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो ऊंची जात के थे, उनको छूट मिली मंदिर के अंदर जाने का, और राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज से ताल्लुकात रखती हैं इसलिए उनको अंदर जाने से मना किया और बाहर की बैरिकेटिंग के बाहर खड़ी होकर के उनको पूजा अर्चना करना पड़ा। इससे पहले भी पूर्व जो राष्ट्रपति थे उनको भी रोका गया था स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक रूप से महामहिम राष्ट्रपति के पद पर जब श्री रामनाथ कोविंद जी विराजमान थे, वो पुष्कर राजस्थान के ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करने गए थे, वहाँ के पंडों ने भी उनको मंदिर में अंदर जाने से रोक दिया था, तो गेट के चौखट पर बाहर खड़े होकर के ही उन्होंने माथा नवाया और वहाँ से आशीर्वाद लेकर के वापस लौटे, मंदिर नहीं जाने दिया। और यही विडम्बना है कि धर्म की आड़ में आज भी इस देश के 90% दलितों आदिवासियों पिछड़ों के साथ जो जाति अपमान की घटनाएं नित्य प्रति होती रहती हैं, स्वाभाविक रूप से ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है, ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। और यही कारण है कि हमेशा आज अपमान का सिलसिला जारी है, जब राष्ट्रपति पद पर बैठे हुए लोगों के साथ ये जाति अपमान के कड़वे सच और कड़वे घूंट पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो आम लोगों के साथ आम जिंदगी में क्या होता होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।